अपराजिता जी, सबसे पहले आपको हम इस चर्चा में इसलिए शामिल कर रहे हैं क्योंकि जनरल गुरमीत सिंह और सुशांत सरीन जी से राय लेनी जरूरी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा, क्या आप इसे मानती हैं, अगर ISI चीफ अफगानिस्तान पहले ही पहुंच चुके हैं? दूसरा, अपराजिता जी, ये कि तालिबान की सरकार अब बन चुकी है, घोषणा 2-3 दिन में हो जाएगी और हम तालिबान को नहीं मानते, उसे एक आतंकवादी गुट मानते हैं, ये हमारे लिए खतरा है। तीसरा ये कि अब पाकिस्तान के MP वहां के DV चैनल्स पर बैठकर अपराजिता जी ये कहते हैं कि तालिबान अब आकर कश्मीर में मदद करेगा हमारी, कश्मीर को हमें दिलाने में। इन सब खतरों को देखते हुए क्या आपको लगता है कि हमारे लिए गंभीर चुनौती है और हम इससे कैसे निपटेंगे, हमारी सरकार कैसे निपटेगी, क्या रुख होना चाहिए हमारी सरकार का? अपराजिता जी, आप सबको मेरा नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपने मुझे इस कार्यक्रम से जोड़ा। मैं आप सबको बताना चाहती हूं कि भारत सरकार का आभिमुख्य स्पष्ट है और हम बड़ी परिपक्वता के साथ तालिबान को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सब ने बाइबल का वो वक्तव्य सुना होगा, लॉर्ड आई डू नॉट वॉन्ट टू सी द डिस्टेंस सीन, वन स्टेप इज एनफ फॉर मी। हम दूर का दृश्य देखना नहीं चाहते हैं, हमारे लिए एक कदम ही काफी है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और अफगानिस्तान को अपने हाथों में लिया, तब से हमारी नीति सिर्फ एक रही है, हम अपने लोगों की सुरक्षा चाहते थे और सुरक्षा देते आ रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति का आरंभ किया गया, जैसा कि आप जानते हैं 565 लोगों को हम वहां से सुरक्षित ले आए और उसमें 111 अफगान नेशनल्स भी थे, और ये जो मुहिम है वो जारी है। और आप सब जानते हैं कि हमने करीबन 20 सालों में $3 बिलियन भित्ति भूमि के विकास के लिए, पार्लियामेंट के विकास के लिए और अन्य जितने भी विकास के कार्य थे उसकी दिशा में अफगानिस्तान में खर्च किए। अफगानिस्तान के लोगों के साथ हमारे बड़े अच्छे टाइज रहे हैं, मैं कहूँ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। तो आज के संदर्भ में आपको याद होगा, मैं आप सबको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले ठीक है श्री दीपक मित्तल जी ने दोहा में भी बातचीत की थी और हमने अपने टर्म्स पर बातचीत की। और जहां तक देखिए, मैं आपको बता दूं, मुझे आप 30 सेकेंड दें, जहां तक आज ISI चीफ के वहां जाने का सवाल है, तो मैं आपको कह दूं कि अभी हमें किसी भी तरह का गवर्नमेंट फॉर्मेशन की दिशा में कोई निमंत्रण नहीं मिला है। सरकार का स्वरूप क्या होगा तालिबान में, तालिबान के द्वारा, ये हमें पता नहीं है। अफगानिस्तान किस तरह का सरकार लेकर आ रही है, हमें ज्ञात नहीं है। और मैं तीसरी बात आप सबको कह दूं कि हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं और जैसे जैसे आगे हम बढ़ेंगे आप सब देखेंगे, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि हम आंखें बंद किए बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है अपराजिता जी, काफी संजीदगी के साथ पूरी चीजों पर, पूरे डेवलपमेंट्स पर हम बारीकी से नजर रखे हुए हैं। ठीक है, और ये जो सरकार है ये उनकी सरकारी अंदरूनी मामला है, इस पर कोई भी किसी भी तरह का वक्तव्य देना मुझे लगता है भारत सरकार के लिए आज के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। जी,